हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में MIA और MIL का एक बेहतरीन दमदार टीम आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर टीम क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पॉइंट की बात करूँ तो दोनों टीम में मजबूत प्लेयर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप ब्रेटसुई को ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। लगातार इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो आप इनके साथ जा सकते हैं। ड्रेजिक की बात करूँ तो ड्रेजिक भी MIA की तरफ से खेलते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। अच्छे प्लेयर हैं, लगातार इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं बेहिचक। यहाँ पर शूटिंग की बात करूँ तो देखिए, जे बटलर आपको अच्छा ऑप्शन मिल सकते हैं, एच हिरो भी आपको बढ़िया ऑप्शन मिल सकते हैं। और भी ऑप्शन है लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, MIA की तरफ से खेलते हैं, अच्छे हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। यहाँ बात करूँ स्मॉल फॉरवर्ड में, तो स्मॉल फॉरवर्ड में आपको MIA की तरफ से रॉबिन्सन मिल जाएंगे बढ़िया आपको, ये भी एक बेहतर प्लेयर हैं, आपको 30-32 आपको इतना पॉइंट दे देते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडिल्टन भी हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, MIL की तरफ से खेलते हैं, ये मेरे हिसाब से उनसे अच्छे हैं, रॉबिन से अच्छे हैं, लेकिन इनकी जो क्रेडिट है अधिक है, जिससे सेंटर के प्लेयर बढ़िया नहीं आपको मिल पाएंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रॉबिन्सन को यहाँ पे रखा हूँ, ये समझ लीजिए, क्योंकि एक प्लेयर पर पूरा भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, दो प्लेयर आपके पास होने चाहिए, इसीलिए मैं रॉबिन्सन को रखा हूँ। यहाँ पर बात करूँ पावर फॉरवर्ड में, तो पावर फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्लेयर मेरे हिसाब से क्रोडर हैं और विलियमसन हैं, ये दोनों प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं। MIL के ऊपर वाले प्लेयर तो बढ़िया है लेकिन उनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, 27 की है, जिससे कई प्लेयर मिल जाएंगे, तो मेरे हिसाब से इन दोनों को आप ले कर चलिए, अच्छे रहेंगे आपके लिए। ये दोनों प्लेयर बहुत ही जानदार हैं, विलियम और यहाँ पर क्रोडर, ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ पे सेंटर की बात करूँ तो सेंटर में बी लोपेज बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं, इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे कहा था कि रॉबिन्सन को ले लीजिएगा, नहीं तो सेंटर पे आप इनको नहीं पा पाएंगे, इसीलिए रॉबिन्सन को मैंने लिया है और यहाँ पर इनको पा गया हूँ। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जे बटलर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ई ब्लेडसुई को आप यहां से ले सकते हैं, ये दोनों प्लेयर मेरे हिसाब से अच्छे हैं, आप इनके साथ भी जा सकते हैं, ड्रेजिक के साथ भी जा सकते हैं, अधिक लोग इनके साथ भी गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप ब्लेडसुई के साथ आप जाइए या ड्रेजिक के साथ जाइए, दोनों में से किसी के साथ जा सकते हैं। जे बटलर को आप यहाँ कैप्टन रखने दीजिए, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। तो आपको मैं आपको ये टीम देख सकते हैं, इस टीम के साथ आप जा सकते हैं, ये बेहतर टीम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।